जय हिंद दोस्तों। तो ये फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है, आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली। तो देखिए, इंडस वैली के आर्ट को समझने से पहले जो है हमें ये जानना होगा कि जो इंडस का जो टाइम पीरियड है वो क्या था। तो देखिए, जो इंडस का जो अर्ली हरप्पा फेज था, ठीक है, तो इसको हम तीन फेज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, पहला फेज है अर्ली हरप्पा फेज। जो अर्ली हरप्पा फेज है वो 3300 से लेकर के 2600 BC का फेज है। ठीक, अब देखिए जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं मैच्योर हरप्पा फेज। जो मैच्योर हरप्पा फेज है वो 2600 से लेकर के 1900 BC का है। और लास्ट है लेट हरप्पा फेज, जो 1900 से लेके 1300 BC का है। ठीक, तो ये तीन हरप्पा फेजेस में जो है हम हरप्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं। तो अब देखिए, इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिंधु घाटी जो सिंधु नदी थी, तो सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता जो है हमें देखने को मिली। तो यहाँ मैप में देख सकते हैं आप, ये है इंडस रिवर। ठीक, तो इंडस रिवर के आसपास जो है ये सभ्यता हमें देखने को मिली थी। कुछ एरिया पाकिस्तान में है और कुछ एरिया जो है वो इंडिया में है। स्टार्ट करते हैं। द आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ द थर्ड मिलेनियम BCE। यानी थर्ड मिलियन BCE के जो सेकंड हाफ है उसका, उस समय का टाइम पीरियड का ये बात कर रहा है। मतलब कि करीब 2600 BC के आसपास की जो बात है वो यहाँ पे हो रही है। अब देखिए, जो इस टाइम जो के जो आर्ट्स हमको मिले हैं, तो इसमें हमें कई चीज़ें मिली हैं। जैसे हमें कई स्कल्पचर्स मिले हैं, सील्स, पॉटरी वगैरह, ज्वेलरीज या जो टेराकोटा फिग्रीन्स होते हैं, वो सब चीज़ें मिली हैं। द आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम श्योरली हैड फाइन आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज़। और ये भी कहा जाता है कि जो उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये सब चीज़ें बनाई, उनके पास जो एक मतलब जो डिज़ाइनिंग की कैपेबिलिटी थी, उनका जो एक सेंस था वो बहुत आर्टिस्टिक टाइप का सेंस हुआ करता था। ठीक है, बहुत विविड टाइप का इमेजिनेशन जो है वो देखने को मिलता है। देयर डिलिनिएशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स वॉज हाईली रियलिस्टिक इन नेचर। अब देखिए, जो ह्यूमन या जो एनिमल फिगर्स ये बनाते थे, ये बहुत ही ज़्यादा रियल लगते थे। ठीक, सिंस द एनाटॉमिकल डिटेल्स इंक्लूडेड इन देम वर यूनिक। ठीक है, और जो भी एक एक डिटेल ये डालते थे ना अपने डिज़ाइन में, वो जो डिटेल है वो बहुत यूनिक टाइप के जो डिज़ाइन है ये क्रिएट करते थे। द मॉडलिंग ऑफ द एनिमल फिगर्स वॉज डन इन द एक्सट्रीमली केयरफुल मैनर। अब देखिए, चाहे वो एनिमल फिगर्स की मॉडलिंग हो या ह्यूमन फिगर्स की, तो सभी मॉडलिंग बहुत अच्छे से होती थी। लेकिन उसमें से भी जो खासकर जो एनिमल के जो टेराकोटा फिगरीन्स हैं, उनकी जो मॉडलिंग की गई है वो बहुत केयरफुल मैनर में की गई है। दो मेजर साइट्स हैं द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, दो मेजर साइट्स के हरप्पा हैं और मोहनजोदड़ो। ठीक, शोकेस वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ सिविल प्लानिंग। अब हरप्पा और मोहनजोदड़ो को देख करके हम सिविल प्लानिंग के एक अच्छा एग्जांपल यहाँ समझ सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो शहर हुआ करते थे, तो वो जो है यहाँ पे ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर में हुआ करते थे। ठीक है, मींस जो चौराहे हैं वो एक दूसरे को जो है 90 डिग्री एंगल पे जो है वो कट किया करते थे। और साथ ही साथ ये साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। जो भी हर घर में से एक जो है नाली निकलती थी, ड्रेनेज निकलता था, जो शहर की जो मेन नाली है उसमें आके मिलती थी। और जो इनके यहाँ सारे जो ड्रेनेज थे, वो सारे ड्रेनेज से हम आज के टाइम में देखते हैं कि जो नालियाँ हैं वो कवर्ड रहती हैं स्टोन से, तो वो उस टाइम में जो है ये कवर करके रखते थे। ठीक, अदर मार्क्स वर हाउसेज एंड मार्केट्स। साथ साथ देखिए, तो पके हुई जो ईंट है उससे उसके बने हुए इनके घर थे। ठीक है, और इनके मार्केट्स भी थे, और ये ग्रेनरीज भी हमको मिली हैं जहाँ ये अनाज वगैरह स्टोर किया करते थे। ऑफिसेज, पब्लिक बाथ, जैसे मोहनजोदड़ो में पब्लिक बाथ जो है, ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं, वो मिला हुआ है। अरेंज्ड इन अ ग्रिड लाइक पैटर्न। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हम बताएं ना, ग्रिड लाइक पैटर्न यानी जब एक दूसरे को ये रास्ता जो है वो 90 डिग्री एंगल पर कट करता है। देर वॉज ऑल्सो ए हाईली डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो बहुत अच्छा ही ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, जो छोटे छोटे जो घर रहते हैं उनकी जो नालियाँ हैं वो मिलती हैं कहाँ आके, तो जो मेन जो ड्रेनेज है उसमें आके मिलती हैं। ठीक है, वाइल हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो आर सिचुएटेड इन पाकिस्तान। हर देखिए, हरप्पा और जो मोहनजोदड़ो हैं वो कहाँ पे? पाकिस्तान में है। और ज़्यादातर जो साइट्स हैं वो हमारे इंडिया में मिली हैं, जैसे लोथल और धोलावीरा गुजरात में है, राखीगढ़ी में हरियाणा में देखने को मिलेगा, रोपर जो है पंजाब में है, कालीमंगन जो है वो राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो मैप देख लेते हैं, तो यहाँ देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक, ये हो गया कालीमंगन, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो यहाँ पे है, कालीमंगन यहाँ पे है, और ये रहा हरप्पा। ठीक,
अब आगे चलते हैं, बात करते हैं स्टोन स्टैट्यूज की। ठीक है, स्टोन के जो यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह जो मिली हैं, स्टैचूज वेदर इन स्टोन ब्रॉन्ज और टेराकोटा फाउंड इन हरप्पन साइट्स आर नॉट अबंडेंट। अब देखिए, जो भी स्टैचू हमको यहाँ देखे, जो हमें मिले हैं खुदाई में, तो वो ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में तो नहीं है, लेकिन जो भी हैं वो बहुत रिफाइंड हैं। ठीक है, द स्टोन स्टैचूज फाउंड एट हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो आर एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ हैंडलिंग थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम्स। अब देखिए, जो भी यहाँ मूर्तियाँ मिली हुई हैं उनका स्ट्रक्चर जो है 3D है। जैसे हम अगर पेपर पर अगर हम ड्रॉ करते हैं कुछ, तो वो 2D स्ट्रक्चर है, और ये जो मूर्तियाँ सभी हैं वो 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हैं। द स्टोन्स आर टू मेल फिगर्स। ठीक है, दो मेल फिगर मिले हैं। जो पहला है वो एक रेड सैंडस्टोन का एक टॉर्सो है। टॉर्सो का मतलब होता है धड़। ठीक है, विच द अदर हैंड इज़ ए बस्ट ऑफ बियर्डेड मैन इन अ सोप स्टोन। अब देखिए, जो बियर्डेड मैन है ये सोप स्टोन का बना हुआ है। द फिगर ऑफ द बियर्डेड मैन इंटरप्रेटेड एज अ प्रीस्ट। अब देखिए, लोगों का मानना ये है कि जो ये बियर्डेड मैन है वो क्या है, वो एक प्रीस्ट है। तो क्यों ऐसा है कि क्योंकि देखिए, ये जो है एक शॉल लिए हुए है। ठीक है, जो और ये शॉल जो है ये राइट आर्म से होते हुए इसके कहाँ आ रहा है, लेफ्ट वाले शोल्डर पे आ रहा है। ठीक, उसके अलावा ये जो शॉल है इस पर जो ट्रिफॉयल पैटर्न है वो हमको देखने को मिलता है। ये आपका ट्रिफॉयल पैटर्न हो गया। ठीक, ट्रिफॉयल पैटर्न देखने को मिल रहा है शॉल पे। और जो उसकी आइज़ हैं आप देखेंगे तो थोड़ी एलोंगेटेड टाइप की हैं, तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो है हो सकता है कोई ध्यान वान कर रहा हो तो उस टाइम जो है आंख अपनी बंद किया हो। ठीक, और इसकी आंखें जो हैं वो एलोंगेटेड और हाफ क्लोज्ड हैं। ठीक है, जैसे आदमी जब मेडिटेट करता है तो उस टाइम जो है। उसके अलावा जो इसकी नोज़ है वो वेल फॉर्म्ड है एंड मीडियम साइज़। ठीक है, और मीडियम साइज़ की नोज़ है। जो माउथ है वो एवरेज साइज़ का है, और साथ ही साथ हमको यहाँ पे मुस्टैच भी देखने को मिलती है, बियर्ड है एंड द विस्कर्स। द ईयर्स रिजेंबल डबल शेल्स विद द होल इन द मिडल। ठीक, द हेयर इज पार्टेड इन द मिडल एंड प्लेन वुमन फिलेट इज पास्ड टू द हेड। अब देखिए, सर पे जो है एक जो एक फिलेट टाइप का जो कपड़ा है ये सर पे अपने जो है ये लिए मतलब बांधे हुए हैं। ठीक, एंड आर्मलेट इज वॉर्न। ठीक है, हाथ में जो है एक आर्मलेट पहने हुए हैं राइट हैंड में, एंड होल्स अराउंड द नेक सजेस्ट नेकलेस, और नेकलेस का भी पता चलता है हमको होल से। ब्रॉन्ज कास्टिंग देख लेते हैं। द आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग वाज प्रैक्टिस ऑन ए वाइड स्केल बाय हरप्पन। देखिए, जो ब्रॉन्ज जैसे हम बताए थे आपको, ब्रॉन्ज किससे मिलकर बनता है, कॉपर और टिन से। ठीक, तो कॉपर और टिन मिला के ये ब्रॉन्ज बनाते थे, और इसका यूज़ जो है ये बहुत ज़्यादा किया करते थे। ब्रॉन्ज के जो स्टैचूज़ वगैरह जो मूर्तियाँ हैं वो हमें ब्रॉन्ज की देखने को मिलती हैं, और उन मूर्तियों को बनाने में ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करते थे। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है, देखिए डिटेल में बताते हैं आपको। जैसे जो मधुमक्खी का जो छत्ता है, तो उससे शहद निकालने के बाद क्या किया जाता है कि जो उससे बच जाता है, मतलब शहद निकालने के बाद जो बचता है उससे वैक्स बनाया जाता है, और उस वैक्स से मूर्ति को आकार दिया जाता है। ठीक, और वैक्स की मूर्ति जब तैयार हो जाती है तो उस पर जो है मिट्टी की कई परत जो है चढ़ाई जाती है। जैसे एक पर चढ़ा दिया गया, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर से उसके ऊपर परत जो है चढ़ाया जाता है। उसके बाद जब वो सब सूख जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है कि उसको जो है एक छोटा सा नीचे में होल कर दिया जाता है, और होल करने के बाद उसको आग में पकाया जाता है। तो आग में पकने की वजह से जो वैक्स है उस होल के थ्रू मेल्ट होकर बाहर आ जाता है। ठीक, जब वो वैक्स बाहर आ जाता है तो अब जो है ब्रॉन्ज को लेके जो है मेल्ट करते हैं। ब्रॉन्ज को मेल्ट करने के बाद उसी होल के थ्रू, जिस होल के थ्रू वैक्स निकला हुआ था उसी होल के थ्रू मेल्टेड ब्रॉन्ज को जो है उसमें हम पोर कर देते हैं। तो उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद जो मिट्टी की परत रहती है उसको तोड़ दिया जाता है, तो ब्रॉन्ज की मूर्ति तैयार हो जाती है। इसी को बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो इसी टेक्निक का जो हरप्पन्स है वो यूज़ किया करते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन ब्रॉन्ज वी फाइंड ह्यूमन एज वेल एनिमल फिगर। अब देखिए, ब्रॉन्ज में जो है ह्यूमन के साथ साथ हमें एनिमल के जो फिगर्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ह्यूमन के फिगर्स भी मिले हैं हमको ब्रॉन्ज में, और एनिमल के फिगर्स भी मिले हैं ब्रॉन्ज में। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मर बींग इज अ स्टैचू ऑफ ए गर्ल। अब देखिए, डांसिंग गर्ल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है डांसिंग गर्ल की मूर्ति हमें मिली है जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है। साथ ही साथ एक बुफैलो की मूर्ति मिली है जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है, जिसका हेड जो है अपलिफ्टेड है, बैक एंड स्वीपिंग हॉर्न्स। ठीक है, हॉर्न्स है, एंड द गोट ऑफ आर्टिस्टिक मेरिट। ठीक है, और एक गोट भी मिली हुई है जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ब्रॉन्ज कास्टिंग वॉज पॉपुलर एट ऑल द मेजर सेंटर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी सेंटर्स हैं, जहाँ जहाँ भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ वहाँ पर जो है ये ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्निक का हर जगह इस्तेमाल किया जाता था। द कॉपर डॉग
एंड बर्ड ऑफ लोथल, ठीक है, तो कॉपर का देखिए डॉग है, बर्ड है, ये सब लोथल में मिला है, एंड द ब्रॉन्ज फिगर ऑफ बुल फ्रॉम कालीबंगन, और एक बुल का ब्रॉन्ज फिगर है वो कहाँ मिला है, तो कालीबंगन में मिला है, और ये सभी जो हैं ये जो ह्यूमन फिगर्स हैं उससे उसी मतलब ह्यूमन फिगर्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो मतलब कहने का ये मतलब कि ये जो सारे और फिगर्स हैं जो एनिमल्स के वो ह्यूमन फिगर्स से इन्फीरियर नहीं है, कुछ कम नहीं है, ठीक। मेटल्स कास्टिंग अपीयर टू बी ए कंटिन्यूअस ट्रेडिशन, द लेट हरप्पन एंड चालकुलिथिक साइट्स लाइक दाइमाबाद इन महाराष्ट्र इलेट एक्सलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल कास्टिंग। तो देखिए महाराष्ट्र के दाइमाबाद में जो है हमको वो ये लेट हरप्पन फेस से, लेट हरप्पन फेस जैसे बताया था 1900 से 1300 के बीच में था ना, तो वहाँ उस टाइम पीरियड के, और जो चालकोलिथिक टाइप की टाइम पीरियड है, चालकोलिथिक टाइम पीरियड मतलब जो ताम्रपाषाण जिसको हम बोलते हैं, तो उस टाइम के जो मेटल कास्टिंग है वो भी हमको देखने को मिलती है। देखिए ये मदर गॉडेस की मूर्ति है और ये टेराकोटा फिग्रिन है, उसके अलावा आप ये देखेंगे तो ये जो डांसिंग गर्ल है, डांसिंग गर्ल की मूर्ति है ये, और ये जो बुफैलो का नाम बताया गया था बुफैलो, ये बुफैलो का है। आगे देखते हैं, दे मेनली कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र मेला है उसमें ह्यूमन और जो एनिमल फिगर्स देखने को मिलता है। इट शोज हाउ द ट्रेडिशन ऑफ फिगर स्कल्पचर कंटिन्यू डाउन द एजेस। अब देखिए उसके साथ साथ देखिए तो टेराकोटा के जो फिगरीन्स हैं, जो मिट्टी के खिलौने हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। इंडस वैली पीपल मेड टेराकोटा इमेजेस ऑल्सो, बट कंपेयर टू द स्टोन एंड ब्रॉन्ज स्टैचूज द टेराकोटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म आर क्रूड इन द इंडस वैली। अब देखिए जो टेराकोटा इमेजेस मिले हुए हैं अगर उनको हम कंपेयर करें जो ह्यूमन के जो फिगर्स मिले हुए हैं उनसे, तो उनसे डिज़ाइन वे में या जो एक फिनिशिंग होती है उसके मुकाबले में थोड़े कम है, ठीक। दे आर मोर रियलिस्टिक इन गुजरात साइट्स, लेकिन जो गुजरात साइट्स में और जो कालीबंगन का जो एरिया में जो हमको फिगर जो टेराकोटा मिले हैं वो थोड़े ज़्यादा रियलिस्टिक देखने में लगते हैं, वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमंग द इंडस फिगर्स आर दोज रिप्रेजेंटिंग द मदर गॉडेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है वो। इन टेराकोटा वी ऑल्सो फाइंड अ न्यू फिगर इन ऑफ बियर्डेड मेल, साथ ही साथ एक बियर्डेड मेल का जो है वो फिगर मिलता है जिसका बाल जो है थोड़ा जो घुनाले बाल होते हैं उस टाइप में है, और जो इसकी बॉडी है वो ऐसे स्ट्रेट टाइप की बॉडी है, और जो लेग है वो एक दूसरे से दूर हैं, स्लाइटली अपार्ट हैं, और जो आर्म्स है वो बॉडी के पैलर में आते हैं, ठीक है। तो कई जगह इनके फिगर्स जो है देखने को मिले हैं, तो इससे जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनका ये कहना है कि ये हो सकता है कि एक उनके डायटी यानी जो पूजनीय कोई देवी या देवता होंगे उनकी ये मूर्ति है। साथ ही साथ एक टेराकोटा मास्क भी हमको देखने को मिला है हॉर्न डायटी का, ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं टेराकोटा मास्क है ये, ठीक है, ये हॉर्न डायटी का टेराकोटा मास्क है ये देखने को मिला है, ठीक। साथ साथ एटोराकोटा मास्क फॉर हॉन्डाइटी हैज़ बीन ऑल फाउंड टॉय कॉट विथ व्हील्स, ठीक है, तो खिलौने मिले हैं छोटे छोटे, ठीक है, टॉय कार्ट्स मिले हैं, व्हील्स, विसल्स, रैटल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, गेम्समैन डिस्क, ठीक है, ये सारे चीज़ें जो हैं छोटे छोटे खिलौने जो हैं मिट्टी के मिले हैं, यहाँ आप देख सकते हैं फिगर्स में। अब हम बात करते हैं सील, सील यानी जो मोहरें होती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड थाउजेंड ऑफ सील्स, ठीक है, सील्स बहुत ज़्यादा मिली हैं, और खासकर जो सील्स मिली हैं वो बनी हुई हैं स्टेटाइट की, ठीक है, स्टेटाइट की बनी हुई हैं, और कहीं कहीं हमको एगेट, चर्ट, कॉपर, फायंस एंड टेराकोटा, ठीक, तो इनकी भी सीरीज देखने को मिलती हैं। तो अब बात करें कि फायंस क्या होता है, तो फायंस जैसे समझिए कि जैसे जो बीड्स होते हैं, जैसे अलग अलग तरह के बीड्स होते हैं छोटे छोटे, कोई ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप के बीड्स होते हैं, ठीक, तो जो छोटे छोटे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो बीड्स होते हैं जिसको ऐसे माला में एक साथ लगा कर जो बनाया जाता है, तो वो सब चीज़ें हैं। उसके अलावा विथ ब्यूटीफुल फिगर्स ऑफ एनिमल्स सच एज यूनिकॉर्न बुल, यूनिकॉर्न बुल का जो है उसमें सिंबल जो है सील में देखने को मिलता है हमको, राइनोसोरस का, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, गोट, बुफेलो एसेट्रा, तो सभी जानवरों के जो इमेजेस हैं वो हमको सील यानी मोहर पर देखने को मिलती है। द रियलिस्टिक रेंडरिंग ऑफ दीज एनिमल्स इन वेरियस मूड्स इज रिमार्केबल, ठीक है, तो जो भी इनकी क्रेविंग की जो बनाया गया है वो बहुत अच्छे से इनको तराशा गया है। द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग सील्स वॉज मेनली कॉमर्शियल, अब हिस्टोरियंस के द्वारा ये बताया जाता है कि सील्स बनाने का जो मेन मकसद था वो कॉमर्शियल था, मतलब ये बताया जाता है कि वो जो है ट्रेडिंग वगैरह में जो है यूज़ करते थे, या हो सकता है कि एज ए अपना जैसे हमारा आज के टाइम में पहचान पत्र होता है तो वैसे हो सकता है उनका पहचान पत्र एज ए आईडी कार्ड वो यूज़ करते थे, ऐसा भी हो सकता है। इट अपीयर्स दैट सील्स वर ऑल्सो यूज एज एमुलेट्स, अब देखिए कुछ लोग द्वारा ये भी कहा जाता है कि सील्स जो हैं उनको एज ए एमुलेट की तरह यूज़ किया जाता था, ठीक है, एमुलेट्स क्या होता है, तो जो ताबीज़ वगैरह जो होता है।
कैरीड ऑन द पर्सन ऑन देयर ओनर परहैप्स एज मॉडर्न डे आइडेंटी कार्ड. ठीक है, आइडेंटी कार्ड की तरह भी वो लोग यूज़ करते थे सील को, ये भी कहा जाता है. देखिए जो स्टैंडर्ड हरप्पन सील की साइज़ है वो 2x2 स्क्वायर इंचज़ की साइज़ है. ठीक है, स्टेटाइट के बने हुए हैं. और जो जो भी सील्स मिली हैं उन पर जो इमेज के साथ एक स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है. ठीक है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं. यानी वो जो स्क्रिप्ट है वो तो अभी हम पढ़ पाए नहीं हैं, लेकिन वो स्क्रिप्ट जो है वो पिक्चर के फॉर्म में है. जैसे मछली बना हुआ है, ठीक है, ऐसे इस टाइप में ऐसे मछली बना हुआ है या ऐसे एक स्टिक बना हुआ है, तो पिक्टोरियल फॉर्म में जो है स्क्रिप्ट हमको देखने को मिलता है. दे ऑल बियर ए ग्रेट वैरायटी ऑफ मोटिव्स मोस्ट ऑफन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ द बुल विथ और विदाउट द हम्प. ठीक है, साथ साथ हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है बुल की भी हमको फोटोज़ देखने को मिलती हैं सील पे. ठीक है, कुछ एक बुल जो है बिना हम्प के, एक हम्प के साथ है. हाथी हो गया या शेर हो गया, टाइगर हो गया. ठीक, तो कई तरह तरह के जानवरों के जो फिगर्स हैं वो हमें सील पे देखने को मिलते हैं. जैसे देखिए यूनिकॉर्न सील है, तो जो यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है ये इन लोग का जो है, ये इन लोग की राइटिंग है, लेकिन ये पिक्टोरियल फॉर्म में है तो इसको अभी तक हम डेसिफर जो है नहीं कर पाए हैं. ये यूनिकॉर्न की सील है. देखिए गोट एंड ऑल्सो मॉन्स्टर्स. ठीक है, कहीं कहीं हमें गोट के साथ साथ जो है मॉन्स्टर्स के भी जो सील्स है वो देखने को मिले हैं. समटाइम ट्रीज और ह्यूमन फिगर्स, तो ट्रीज और ह्यूमन फिगर्स के जो सील्स है वो भी देखने को मिले हैं. द मोस्ट रिमार्केबल सील इज वन डिपिक्ट विद द फिगर ऑफ सेंटर एंड एनिमल अराउंड. जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सील है वो पशुपति नाथ के सील. ठीक है, पशुपति सील बोला जाता है. ये एक फीमेल डाइटी के जो है वो सील हमको देखने को मिलती है. द मोस्ट रिमार्केबल, ठीक है, दिस सील इज जनरली आइडेंटिफाइड एज पशुपति सील. द सील डिपिक्ट्स अ ह्यूमन फिगर सीटेड क्रॉस लेग. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में कि क्रॉस लेग जो है लेग को क्रॉस करके बैठे हुए हैं, और एक एलिफेंट और एक शेर जो है इनके राइट साइड में हमको देखने को मिलेगा. ये रहा शेर और ये रहा एलिफेंट. तो एलिफेंट और शेर जो है इनके राइट साइड में है. वहीं लेफ्ट साइड में राइनोसेरस और बुफेलो देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो राइनोसेरस और बुफेलो यहाँ देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, इन एडिशन टू दीज एनिमल्स टू एंटीलोप. अब देखिए इनके नीचे जो है यहाँ पे दो हिरन भी हमको देखने को मिलेंगे नीचे साइड में. ठीक है, दो हिरन भी हैं. सच सील्स डेटेड बिटवीन 2500 टू 1900 BCE एंड वर फाउंड इन कंसिडरेबली नंबर्स इन साइट सच एज एंशियंट सिटी ऑफ मोहनजोदारो इन इंडस वैली. ठीक है, तो मोहनजोदारो में जो है कई ढेर सारे अमाउंट के जो हमको सील देखने को मिलते हैं. फिगर्स एंड एनिमल्स आर कार्व्ड एंड इंटियाल्गो इन दियर सर्फेसेस. तो देखिए उसके बाद जो इंटियाल्गो का मतलब होता है कि जो जो मुहर होती है. ठीक है, तो मुहर की तरह जो है इनको कार्व किया गया है. स्क्वायर्स और रेक्टेंगुलर कॉपर टैबलेट्स. ठीक है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में जो है ये सील्स हैं विद एनिमल और ह्यूमन फिगर ऑन वन साइड. ठीक है, तो एक साइड में ये एनिमल या ह्यूमन फिगर है एंड इंस्क्रिप्शन ऑन अदर. ठीक है, एक साइड में इंस्क्रिप्शन भी हमको देखने को मिलता है. द फिगर्स आर साइन एंड साइंस आर केयरफुली कट विद द ब्यूरिन. अब देखिए जो साइंस फिगर्स हैं इनको ब्यूरिन के हेल्प से जो है वो काटा गया है. तो ब्यूरिन क्या है? तो ब्यूरिन जो है एक नुकीला हथियार, मेटल का जो टूल है उसको हम ब्यूरिन बोलते हैं. ठीक है, तो कुछ इस टाइप का होता है, नुकीला हथियार होता है, मेटल का होता है, तो इसी के हेल्प से जो है इसको काट के बनाया गया है. अब हम बात करेंगे पॉटरी के बारे में. ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉटरी एक्सकवेटेड फ्रॉम द साइट्स इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ वेरियस डिजाइंस. अब देखिए जो पॉटरी वगैरह मिली हुई है उस पर अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं. जो पॉट बर्तन जो मिट्टी के मिले हैं अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग स्टाइल के हैं. और जो है देखिए तो इन दिस वाली पॉटरी कंसिस्ट ऑफ चीफली ऑफ वेरी फाइन व्हील मेड वेयर्स वेरी फ्यू बींग हैंडमेड. ठीक है, ज़्यादातर जो हैं वो जो हम बनाते हैं जो मिट्टी के बर्तन ऐसे पहिया घुमा के उससे बने हुए हैं, हैंडमेड जो हैं वो बहुत कम है. प्लेन पॉटरी इज मोर कॉमन. जो प्लेन पॉटरी है वो ज़्यादा कॉमन है, यहाँ पे ज़्यादा प्लेन पॉटरी देखने को मिलती है. पेंटेड वर्क कम देखने को मिला है. प्लेन पॉटरी जनरली ऑफ रेड क्ले, और ये प्लेन पॉटरी जो है ये जो रेड क्ले के हेल्प से जो है की जाती है. ठीक है, और रेड कलर या ग्रे स्ट्रिप का इसमें यूज़ किया जाता है. ठीक है, और इसमें नॉब्ड वेयर आते हैं. ठीक, तो नॉब्ड वेयर का मतलब होता है कि जैसे जो बर्तन है उनके ऊपर इस ढक्कन लगा होता है, ढक्कन के ऊपर ये नॉब रहता है इनका. ठीक, तो इसी को नॉब वेयर बोलते हैं. ऑर्नामेंटेड विथ रोज ऑफ नॉब्स. ठीक, द ब्लैक पेंटेड वेयर हैज़ फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप्स. अब दो ब्लैक पेंटेड वेयर है, यहाँ पे रेड स्लिप की जो फाइन कोटिंग हमें देखने को मिलती है, जिस पे जो एनिमल्स के जो डिज़ाइन वगैरह हैं वो हमें देखने को मिलते हैं. पॉलीक्रोम पॉटरी. देखिए पॉलीक्रोम पॉटरी क्या है? तो पॉलीक्रोम पॉटरी का मतलब होता है कि ऐसी पॉटरी जिसमें हमको ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिले, रंग बिरंगा जो पॉटरी होता है उसको पॉलीक्रोम पॉटरी जो है बोलते हैं.
इट इज़ रेयर एंड मेनली कंप्राइजेज स्मॉल वेसेस, ठीक है। तो जो छोटे छोटे जो फूलदान हैं उसमें हमको इस टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलता है, इस पर हमें ज्योमेट्रिक पैटर्न जो है देखने को मिलता है रेड में, ब्लैक में, ग्रीन में, और कहीं कहीं जो है बहुत रेयरली वाइट और येलो देखने को मिलता है। उसके बाद आता है इंसाइज वेयर। इंसाइज वेयर का मतलब होता है कि जब जो है सपोज करिए कोई भी वास्क है जैसे, और उस पर जो है ऐसे खोद खोद के डिज़ाइन बनाया जा रहा है, ठीक है, उसका थोड़ा सा डीप जो है उसमें ग्रूव करके डिज़ाइन बनाया जा रहा है, तो वो जो है वो इंसाइज वेयर है। ये भी हमको रेयर देखने को मिले हैं। एंड द इंसाइज डेकोरेशन वॉज कन्फाइंड टू द बेसिस ऑफ द पैंस, ऑलवेज इंसाइड टू द डिशेज ऑफ द ऑफरिंग स्टैंड, ठीक है। तो ये जो देखने को मिले हैं उनका अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक। उसके अलावा देखेंगे तो देखिए परफोरेटर पॉटरी देखने को मिला है। परफोरेटर पॉटरी का मतलब होता है कोई भी ऐसे सपोज करिए बर्तन है तो उसमें जो है होल्स हैं, स्मॉल 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 जो है उसमें होल्स देखने को मिले हैं, उसी को परफोरेटर पॉटरी बोलते हैं। पॉटरी फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज इज फाउंड इन एज मेनी शेप्स एंड साइजेस, ठीक है। कई डिफरेंट डिफरेंट शेप साइजेस में पॉटरी हमको देखने को मिलती है, यानी जो ये मिट्टी के बर्तन हम देखने को मिलते हैं। स्ट्रेट एंड एंगुलर शेप्स, ठीक है, स्ट्रेट शेप्स में भी हैं, एंगुलर शेप्स में भी हैं, लेकिन इनकी मात्रा जो है वो कम है, ठीक है, एक्सेप्शन में है। वाइल ग्रेसफुल कर्व्स आर द रूल, ठीक है, ज़्यादातर जो है वो ग्रेसफुल कर्व्स में ही हैं, ज़्यादातर बर्तन जो है वो इस टाइप के शेप के मिले हुए हैं, ठीक है, या तो जो जो वो मिट्टी के जो मटके वगैरह मिले हैं, ठीक है, तो उनका भी शेप ऐसे इस टाइप में है। मिनिएचर वेसल्स मोस्टली लेस देन हाफ एन इंच इन हाइट आर पार्टिकुलरली सो मार्वलस क्राफ्टेड। अब देखिए जो छोटे छोटे वेसल्स हैं, मिनिएचर वेसल्स हैं, उनको बहुत अच्छे से क्राफ्ट किया गया है, बहुत सुंदर से जो है उनको डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। यहाँ आप परफोरेटेड पॉट जो है वो देख सकते हैं, और यहाँ कुछ पॉटरी के एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं। अब बात करते हैं बिगिट्स एंड ऑर्नामेंट्स की। तो देखिए हरप्पन जो मेन थे और जो महिलाएं थी उस टाइम की, वो अपने आप को जो है डेकोरेट करके रखते थे लोग, ठीक। और देखेंगे तो ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम एवरी कंसीवेबल मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम प्रीसियस मेटल, ठीक है, तो कई जो महंगे महंगे मेटल्स आते हैं उनका यूज़ करते थे, जेम स्टोन्स का यूज़ करते थे, बोन्स का यूज़ करते थे, और जो पकी हुई मिट्टी होती है बेक्ड क्ले उसका भी यूज़ करते थे। वाइल्ड नेकलेस फिलेट्स आर्मलेट्स, ठीक है, तो फिलेट्स ये लोग पहनते थे। फिलेट्स होता है जो वो बाल बांधने का जो फीता होता है उसको फिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। आर्मलेट्स मतलब जो बाजू बंद होता है उसको आर्मलेट्स बोलते हैं। फिंगर रिंग हो गया, अंगूठी हो गई, ठीक, तो ये भी जो है कॉमनली यूज़ किया जाता था इनके द्वारा। और देखिए वुमन वोर गर्डल्स, जो महिलाएं हैं वो गर्डल्स यूज़ करती थी, गर्डल्स मतलब कमरबंद, ठीक है, कमरबंद का यूज़ करती थी। ईयरिंग हो गया, एंकलेट हो गया। होर्ड्स ऑफ ज्वेलरी फाउंड एट मोहनजोदारो एंड लोथल, ठीक है, तो ढेर सारी जो ज्वेलरीज हैं वो मोहनजोदारो में और लोथल में हमको देखने को मिली हैं, जिसमें सोने के भी नेकलेसेस हैं, सेमी प्रेसियस स्टोन्स, कॉपर ब्रेसलेट्स एंड बीड्स, गोल्ड ईयरिंग्स, हेड ऑर्नामेंट्स, फायंस पेंडेंट्स, ठीक, फायंस पेंडेंट्स मतलब वही जो बीड्स के ऐसे पेंडेंट्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे बीड्स लगे होते हैं। ऑल ऑर्नामेंट्स आर वेल क्राफ्टेड, सभी जो ऑर्नामेंट्स हैं वो उनकी जो कारीगरी है बहुत अच्छी है। इट मे बी नोटेड दैट सीमेंट्री हैज़ बीन फाउंड एट फरमाना इन हरियाणा। अब देखिए एक जो है कब्र मिली है हमको देखने को हरियाणा में, फरमाना में, जहाँ पे जो डेड बॉडीज़ हैं उनके साथ जो है ऑर्नामेंट्स को भी बरी कर दिया जाता था, दफनाया जाता था, यानी जो डेड बॉडीज़ को जब दफनाया जाता था तो उसी टाइम जो है ये जो ऑर्नामेंट्स हैं उनके साथ ही दफना दिए जाते थे, ठीक। द बीड इंडस्ट्री सीम्स टू हैव बीन वेल डेवलप्ड। अब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये कहा गया कि जो इनकी भी जो बीड इंडस्ट्री थी, जो ज्वेलरी बनाने वाली जो इंडस्ट्री थी, ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी, ठीक है। और इसका एविडेंस जो है हमको छानूदारों में और लोथल में देखने को मिलता है। बीड्स क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रीज़ जो है डिस्कवर की गई हैं जहाँ बीड्स बनते थे। बीड्स वर मेड ऑफ कार्नियलिन, एमेथिस्ट, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टियाटाइट, टर्कुआइज और लैपिस लॉजुली। तो ये सब का यूज़ करके जो है ये लोग जो है अपने ज्वेलरी वगैरह बनाते थे। अब देखिए जैसे कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड हो गया, शेल, फाइंस एंड टेराकोटा और बंट क्ले वर ऑल्सो यूज मैन्युफैक्चरिंग बीड्स। तो बीड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है इन सभी धातुओं का जो है इस्तेमाल होता था। सभी मेटल्स हो गए, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल्स, फाइंस, टेराकोटा, इन सब का यूज़ किया जाता था। द बीड्स आर इन वेरिंग शेप्स, जैसे कि डिस्क शेप्स की बीड्स हो गई, सिलेंड्रिकल शेप्स की, स्फेरिकल शेप्स की, या बैरल शेप्ड की, ठीक है, या सेजमेंटेड बीड्स हो गई। सम बीड्स वर मेड ऑफ टू और मोर स्टोन्स सीमेंटेड टुगेदर, ठीक है, तो दो या दो से अधिक स्टोन्स को एक साथ मिला के भी कुछ डिज़ाइन बनाया गया था। सम वर डेकोरेटेड बाई इंसाइजिंग ऑफ पेंटिंग एंड सम लाइक डिज़ाइन एच इन टू द देम। ग्रेट टेक्निकल स्किल्स हैव बीन डिस्प्लेड इन द मैनुफैक्चर ऑफ दीज बीड्स। तो जो भी इसको मैनुफैक्चरिंग करने के लिए जो इनके स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे स्किल्स जो है दिखाए गए, क्योंकि जो भी कारीगरी है वो बहुत अच्छी कारीगरी है, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। द हरप्पन पीपल ऑल्सो मेड ब्रिलियंटली नेचुरलिस्टिक मॉडल्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, तो जो ये एनिमल्स के मॉडल्स बनाते थे ये बहुत
एक तरह से एकदम नेचुरल टाइप का लगता था, ठीक। स्पेशली खासकर जो मंकीज़ हैं, स्क्वायरल्स हैं, और इसका जो यूज़ है ये अपने ज्वेलरी में भी किया, छोटे छोटे से जानवर बना के मिनिएचर टाइप के, उसका यूज़ जो है ज्वेलरी वगैरह में भी किया करते थे। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल्स एंड स्पिंडल वॉल्स ऑफ द हाउसेज, ठीक है। तो कई जो स्पिंडल्स हैं या जो स्पिंडल वॉल्स हैं ये भी हमको देखने को मिलते हैं इसमें। वेली दैट इज़ स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड वूल वॉज वेरी कॉमन। अब देखिए इसे और भी जो चीज़ें, जैसे ये कॉटन का जो है यूज़ करते थे, ठीक है। सिंध मतलब भी कॉटन होता है, ठीक है, सिंध मतलब कॉटन होता है। तो कॉटन का जो यूज़ है ये किया करते थे, बहुत कॉमन था इनका। स्पिनिंग इज इंडिकेटेड बाई फाइंड्स ऑफ वॉल्स मेड बाई द एक्सपेंसिव फियंस एज ऑल्सो ए चीप पॉटरी एंड शेल, ठीक है। तो स्पिनिंग को जो है ऐसे शो किया गया है, जो स्पिनिंग जिससे हमको स्पिनिंग जो व्हील होता है उसका भी जो इमेज है वो देखने को मिला है। मेन एंड वुमेन आर टू सेपरेट पीसीज ऑफ अटायर सिमिलर, जैसे कि जो मेन और वुमेन है अलग अलग कपड़े जो है पहनते थे, ठीक है, जैसे धोती और शॉल जो है मेन पहनते थे, और जो शॉल जो है लेफ्ट शोल्डर से होते हुए जो है राइट शोल्डर में आता था, जैसे वो प्रीस्ट थे ना, तो प्रीस्ट जैसे उनका शॉल था उसी टाइप में। फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स इट अपीयर्स दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली वर कॉन्शियस ऑफ फैशन, ठीक है। तो बहुत शौकीन थे फैशन के ये लोग, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स थी इनकी, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे तो बियर्ड लोग रखना पसंद करते थे। सिनेबार वो यूज्ड एज कॉस्मेटिक, सिनेबार जो है वो एक टाइप का मटेरियल है, इसको एज ए कॉस्मेटिक जो है ये लोग यूज़ करते थे। उसके अलावा फेस पेंट, लिपस्टिक और आईलाइनर वगैरह भी ये लोग यूज़ करते थे। मेन स्टोन स्ट्रक्चर रिमेंस और ऑल्सो फाउंडेड धोलावीरा, धोलावीरा में जो है हमें कई स्टोन के स्ट्रक्चर जो देखने को मिलते हैं। द आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन ऑफ द इंडस वैली वर एक्सट्रीमली स्किल्ड, ठीक है, जहाँ पे जो भी क्राफ्टमैन वगैरह थे वो बहुत स्किल थे, बहुत जानकार थे। जो भी ये लोग जो भी चीज़ एनिमल्स बनाए हों या प्लांट्स बनाए हों, बर्ड्स बनाए हों, कोई टेराकोटा फिगरीज बनाए हों, इनका जो बनाने का जो तरीका था बहुत अच्छा था, और वो मतलब एकदम परफेक्टली कार्य करते थे। जो भी डिज़ाइंस हैं बहुत अच्छे डिज़ाइंस मिले हैं। देखिए डांसिंग गर्ल की यहाँ मूर्ति देख सकते हैं, और ये बुल है, और ये मेल टॉर्सो है, और ये पेंटेड अर्थन जार है, ठीक, और ये मदर गॉडेस है। तो मदर गॉडेस देखिए, जो मदर गॉडेस हैं आर यूजुअली क्रूड स्टैंडिंग फीमेल फिगर अडॉर्न विद द नेकलेस हैंगिंग ओवर प्रोमिनेंट ब्रेस्ट एंड वियरिंग अ लॉइन क्लॉथ एंड अ गर्डल। तो ये मतलब गर्डल मतलब होता है जो कमरबंद जिसको बोलते हैं, ठीक है। द फैन शेप्ड हेड ड्रेस, इनका जो है ये फैन शेप्ड का हेड ड्रेस है, विद ए कप लाइक प्रोजेक्शन ऑन ईस्ट साइड ऑफ डिस्टिंक्ट डेकोरेटिव फीचर्स ऑफ द मदर गॉडेस। द पेल्टेड आइज एंड द बेक्ड नोज ऑफ द फिगर वर इन क्रूड एंड द माउथ इज इंडिकेटेड बाई अ स्लिट, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।